let's say so 1.2 we are doing. Already we did the four sum, okay now. Let's come to the fifth sum. The 20 copy of the book can be purchased for a certain sum. 20 copies of the book. तो बीस बुक खरीदना बच्चों कैन बी परचेज फॉर अ सर्टेन सम उस पर्टिकुलर अमाउंट पे द सम पेबल एट द एंड ऑफ द सिक्स मंथ और पैसे बच्चों के बाद देना है तो जब सिक्स मंथ के बाद मतलब कई टाइम जैसे बच्चों उधारी खाता तो छः महीने के बाद दोगे तो दुकानदार क्या करने वाला है उसमें छः महीने का क्या होगा इंटरेस्ट भी चार्ज होगा क्यों बच्चों सो सिक्स मंथ एंड द 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इज रेडी फॉर कैश जितना पैसे मैं छः महीने के बाद दूंगा बच्चों वही सेम पैसे अगर मैं अभी देता हूँ तो आई विल गेट 21 कॉपी बच्चों फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट और इधर बच्चों इफ आई बाय द 20 कॉपी बच्चों 20 कॉपी और इसका पेमेंट मैं कभी कर रहा हूँ बच्चों छः महीने के बाद सिक्स मंथ के आफ्टर करना है बच्चों तीनों छः महीने के बाद करूँगा तो उस पर इंटरेस्ट भी लगता रहेगा तो सपोज दैट कि 650 रुपये लिया बच्चों एग्जाम्पल हाँ अब कर अगर ये पैसे मैं अभी ऑन द स्पॉट 650 पेमेंट किया था ना तो मेरे को 21 नोटबुक मिलता बच्चों इसका मतलब क्या बच्चों छः महीने के बाद अगर 650 पेमेंट करूँगा मैं तो मेरे को कितना बुक मिलेगा खाली 20 बुक और मैं अगर अभी पेमेंट करता हूँ बच्चों तो मुझे 21 बुक तो एक बुक एक्स्ट्रा मिलता है ना बच्चों और छः महीने की बात करूँ तो एक बुक कम मिल रहा है मेरे को इसका मतलब बैंक वाला क्या कर रहा है या जो भी दुकानदार क्या कर रहा है वो एक बुक का जो प्राइस है बच्चों वही बैंक क्या कर रहा है दुकानदार क्या कर रहा है एज अ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बच्चों यू विल गेट 20 बुक्स हाँ आपने 20 बुक खरीदा बच्चों बट पेमेंट कभी करना है आफ्टर सिक्स मंथ आप लोग EMI पे हम लोग लेते बच्चों TV फ्रिज LCD सब लेते ना अगर आप कैश पेमेंट लेके कंप्लीट करते हो बच्चों तो आपको सस्ता पड़ेगा लेकिन आप EMI में लेने वाले हो तो उस पर वो इंटरेस्ट भी ऐड होएगा तो ये कह रहा है बच्चों 20 बुक का प्राइस अगर 6 महीने के बाद पेमेंट करता हूँ एग्जाम्पल बच्चे 650 नॉट आंसर इट एग्जाम्पल सो लेट्स आई हैव टू पे 650 वही 650 रुपये अगर मैं ऑन द स्पॉट देता बच्चों सेम तो आई विल गेट अ 21 बुक बच्चों इसका मतलब वो एक बुक मुझे एक्स्ट्रा मिलता कभी इफ़ आई पे दैट अमाउंट करेंटली बच्चों और मैं अगर लेट पेमेंट करता तो मुझे एक बुक का मिलता है दैट इज द डीलर इज चार्जिंग वन बुक का प्राइस क्या एज अ इंटरेस्ट बच्चों ठीक है कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों तो वी नीड अ रेट ऑफ इंटरेस्ट सो हाउ टू डू बच्चों लेट कॉस्ट प्राइस of one notebook or one book x rupees assume karte bachcho ek book ka price kya hai x rupees so price of 20 book kitna aayega bachcho 20 x rupees ho jayega ye ho gaya theek hai bachcho ye 20 hai okay और 6 महीने के बाद पेमेंट होता है बच्चों तो 21 बुक का हो रहा है ना सो अगर मैंने 20x का बुक खरीदा बच्चों okay? इतने पैसे मेरे को अभी देना चाहिए था लेकिन मैं कभी दे रहा हूँ आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चों तो आई हैव टू पे 21 का प्राइस ओके सिंस पेमेंट मेड After 6 month, okay, so dealer will charge interest. बच्चों तो dealer will charge interest. कितना बुक एक्स्ट्रा हो रहा बच्चों 21, okay. Therefore, price of वन एक्स्ट्रा बुक बुक टेकन एज अ इंटरेस्ट तो एक जो एक्स्ट्रा बुक था बच्चों उसका ही प्राइस क्या एज अ इंटरेस्ट है
चलो बच्चों, तो इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, वन बुक, वन बुक का एक्स, एक कप बुक का प्राइस क्या बच्चों, एक्स, तो एक्स रुपीज़ बच्चों। प्रेजेंट वर्थ कितना है बच्चों, 20x। टाइम कितना है बच्चों, एन कितना है, 6 मंथ, और मैंने क्या बोला था, मंथ है बच्चों, तो 6 upon 12। ओके, तो 6 1 6, 6 2 12, ठीक है बच्चों। लेट्स कम, बचपन में कहीं पढ़े थे बच्चों, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, कभी बचपन में पढ़े थे। इंटरेस्ट का फार्मूला सिंपल, इंटरेस्ट हिंदी वाले मीडियम वाले पढ़े रहेंगे, ब्याज इक्वल टू म गुड़े द गुड़े स पढ़े थे कुछ ऐसा, अपॉन 100। हाँ चल, तो इंटरेस्ट कितना बच्चों, एक्स। पी डब्ल्यू पर प्रेजेंट वैल्यू कितना बच्चों, 20x। एन 1 upon 2, आर वी डोंट नो बच्चों। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपॉन 100, एक्स इंटू 100 कर दो बच्चों इस साइड, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई, अभी 2 भी डिवाइड है बच्चों, और 2 से इसको कैंसिल कर दो ना, 2 10 जा 20, तो 10x मल्टीप्लाई है, जब अपॉन में 10x, एक्स एक्स कैंसिल, 10 कैंसिल, आर इक्वल टू बच्चों 10%, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा बच्चों। सो इम्पोर्टेंट था बच्चों, तो दिया है कि अगर 20 बुक खरीदता है बच्चों, 6 महीने बाद पैसे देता है, वही पैसे अगर ऑन द स्पॉट दे तो 21 बुक मिलता है बच्चों। बाद में देता है बच्चों तो मेरे को एक बुक कम दे रहा, अभी दूंगा तो बच्चों एक बुक ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बाद में क्यों एक बुक कम दे रहा है, क्योंकि वो एक बुक का प्राइस किस पे ले रहा है, वो अजा इंटरेस्ट ले रहा है बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। सो वन बुक का प्राइस क्या हो गया अमाउंट बच्चों, इंटरेस्ट, 20 बुक का प्राइस दैट इज प्रेजेंट वैल्यू है, तो टाइम 6 मंथ, वी नीड टू फाइंड इंटरेस्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट बैंकर गेन, ऑल थ्री चाहिए बच्चों, फाइंड ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर गेन ऑन अ सम रुपीज 4240 ड्यू, 4240 ड्यू मतलब बच्चों सम ड्यू, 6 मंथ इज एज एट 9% पर एन बच्चों। पहले हम लोग क्या क्या चाहिए बच्चों, फाइंड ट्रू डिस्काउंट, क्वेश्चन 6 है बच्चों, फाइंड ट्रू डिस्काउंट बच्चों, फाइंड बैंकर डिस्काउंट, फाइंड बैंकर गेन, ऑल थ्री चाहिए बच्चों। व्हाट दे गिवन ऑन द बिल रुपीज 4240 ड्यू, 4240 ड्यू मतलब एचडी बच्चों, टाइमिंग है बच्चों 6 मंथ, तो क्या करें बच्चों, 6 upon 12, तो 6 1 6, 6 2 12, रेट इज देर बच्चों 9% पर एन एम बच्चों। चल कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग एच डी है, अब एक ही करके फार्मूला दिमाग में डालना पड़ेगा, एच डी का ये तीनों में किससे रिलेटेड फार्मूला है बच्चों, एच डी का किसी से कनेक्शन है, यस मेरे को तो मालूम है बच्चों, आपको मालूम है, बी डी इक्वल टू कुछ क्या आता है, एच डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 ऐसा है, यस, तो 4240 इंटू एन इंटू आर 9 अपॉन 100 बच्चों, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा, बराबर बच्चों, 10 कैंसिल कर सकते बच्चों, तो पहले 9 का मल्टीप्लाई करो, बाद में 10 से डिवाइड कर दो, 9 2 जा 18, 1 9 1 जा 9 1 10, 1 90 18 1 90, और 10 बच्चों, तो 1 decimal हो जाएगा, तो आ गया बच्चों बी डी 190 rupees, therefore banker discount 190.8 rupees बच्चों। बच्चो ये आ गया बी डी आ गया बच्चों, अब बोलो बच्चों टी डी चाहिए और बी जी चाहिए बच्चों,
कैसे आएगा? बीडी और टीडी का कुछ कनेक्शन है बच्चों? यस, कुछ याद करो, बीडी इक्वल टू टीडी इंटू वन प्लस एन आर अपॉन 100, ऐसा कुछ फार्मूला है, ये अप्लाई कर सकते। तो बीडी इक्वल टू टीडी इंटू वन प्लस एन आर अपॉन 100 बच्चों। ओके, बीडी कितना है बच्चों? 190.8। वी डोंट नो टीडी। वन एन कितना बच्चों? एन 1/2। आर कितना है? 9 अपॉन 100। अब बच्चों ये तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो मैंने कल क्या बताया, ये दोनों अपॉन में ना, तो 1 प्लस 9 बन जा 9, और ये कितना का बच्चों? 200। जब कैंसिल नहीं होता बच्चों तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर का, 200 इंटू वन 200, 200 प्लस 9 तो कितना है बच्चों? 209 अपॉन 200। सो 1890 पॉइंट, अभी क्या बच्चों? 200 डिवाइड तो मल्टीप्लाई, और फिर बच्चों 209 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों, क्या करो, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, बाद में 209 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, दैट यू हैव टू डू। स्टॉप कर देना इसको। सो बच्चे इसको सॉल्व करके आ गया 182.58 रुपीज़ बच्चों, दैट इज अ टी डी। सो टी डी इक्वल टू 182.58। एक ऐसा है बच्चों, अब वो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो करना है, अभी ट्वेल्थ में आ गए आप लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 209 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, ये ट्रू डिस्काउंट मिल गया बच्चों, 2 हो गए ना। अब क्या निकालना है बच्चों? बी जी कैसे आएगा मालूम? बी जी बी डी माइनस टी डी, याद है कुछ, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बी डी 190.8 182.58, एक जीरो आगे डाल सकते हैं बच्चों, 10 - 8 = 2, 7 - 2 = 8, ये आगे बच्चों बीजी। तो बैंकर्स गेन ₹8.22 बच्चों। तो पहले बच्चों उन्होंने क्या किया, बी डी एच डी दिया था, और बी डी तो एच डी और बी डी का कनेक्शन से फार्मूला था बच्चों। अब कैसे आएगा बच्चों? बी डी तो हो गया, टी डी बच गया, बी जी बच गया बच्चों, तो बी डी और टी डी से रिलेटेड फार्मूला था, तो अप्लाई करो बच्चों, आ गया। अरे कुछ लोग क्या करते बच्चों, कुछ लोग सर ऐसा कर सकते क्या, पी डब्ल्यू इक्वल टू था एच डी माइनस बी डी, यस आ सकता है। तो एच डी कितना बच्चों? 4240 ना। अब बी डी कितना आया? 190.8। लेस करो, 10 - 8 = 9, 13 - 9 = 4, 10। ये आ गया बच्चों, ये क्या है बच्चों? पी डब्ल्यू आया, बराबर है। अब फिर टी डी का क्या फार्मूला था बच्चों? पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, वैसा करके करो तो भी आंसर राइट आएगा। तो पहले एच डी और बी डी का यूज़ करके आप पहले पी डब्ल्यू निकालो, फिर टी डी इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर, ऐसा कर सकते हो। तो जिन लोगों को पी डी से थ्रू करना है तो पहले पी डब्ल्यू निकालो, फिर इस करो। जिनको मालूम है कि बी डी और टी डी से डायरेक्ट कनेक्टेड फार्मूला है, यू कैन डू। क्या बच्चो, और लास्ट करते ये जीतता। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज 2200 एंड बैंकर डिस्काउंट इज 2310। ट्रू डिस्काउंट कितना बच्चों? 2200। बैंकर डिस्काउंट इज देयर 2310। इफ द बिल इज ड्यू फॉर 10 मंथ, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ बच्चों, बट वी है बच्चों ट्रू डिस्काउंट 2200।
बैंकर डिस्काउंट बच्चों 2310। इफ द बिल इज ड्यू फॉर 10 मंथ तो एन कितना बच्चों 10 मंथ तो दैट इज 10/12 2/5 या 2/6 बराबर बच्चों वी नीड बच्चों आर। अब बच्चों टी डी और बी डी दिया बच्चों तो हम लोग को आर चाहिए। आप बोलो बच्चों कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे टी डी और बी डी से कनेक्टेड कुछ फार्मूला है बच्चों? यस बी डी इक्वल टू टी डी और क्या था बच्चों 1+NR/100 राइट है बच्चों। तो बी डी कितना बच्चों 2310 टी डी 2200 चलो बच्चों क्या 1+N कितना बच्चों 5/6 इंटू आर तो नहीं मालूम बच्चों 100 ठीक है बच्चों। इसको इस साइड ले लो बच्चों और या फिर की प्राइज इट इज अगर कुछ कैंसिल तो नहीं कर बच्चों तो मैंने क्या बोला था आपको 1+ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 × 5R और ये कितना बच्चों 600 बराबर है ठीक है बच्चों ये हो गया 5R/600 ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो R का टर्म है नंबर खाली रहे तो क्या कर सकते हैं बच्चों 600 बन जाए 600 + 5 605 बट इधर पे R है बच्चों तो यू कैन डू दैट डायरेक्टली 600 बन जाए 600 + 5R रहेगा बच्चों। हाँ तो आप इससे अच्छा क्या करो बच्चों इसको इस साइड ले लो 2310/2200 ऐसा कर लो बच्चों डिवाइड मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर लो ओके डिवाइड बाई 220 11 तो इसको डिवाइड करो बच्चों तो आ गया 1.05 आ गया बच्चों ओके अब ये क्या बच्चों 1+5R/100 +1 को हिस्सा लो बच्चों तो 1.05 - 1 बच्चों तो लेस करो तो कितना है बच्चों 0.05। अब क्या करना बच्चों 100 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई तो क्या होगा बच्चों डिवाइड सो बच्चों क्या था ये 5R/600 था ओके ना तो +1 को कितने ट्रांसफर तो -0.05 600 डिवाइड बच्चों तो मल्टीप्लाई जाएगा एंड 5 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो गया बच्चों ठीक है यू कैन सॉल्व दैट। अब सॉल्व करो तो क्या आएगा बच्चों 20 and 2 decimal बच्चों 20 का मल्टीप्लाई 2 decimal में कर रहे हैं हम लोग तो क्या होगा कैंसिल ओनली 5 and 6 ठीक है तो 5 5 क्या तो 5 6 30/5 आर इक्वल टू बच्चों 6 देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एन एम बच्चों क्या चो सो टी डी और बी डी से कनेक्टेड फार्मूला बच्चों तो वी विल यूज दैट बच्चों तो मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर दो इसको और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 × 100 तो दैट इज 600 +1 क्या तो माइनस हो गया बच्चों 600 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर दो और 5R मल्टीप्लाई तो डिवाइड में होगा बच्चों और सॉल्व कर लो इसको कितना बच्चों वी अपडेट द 1.2 में 7 सम ओके ना इस 7 सम बच्चों ये टी डी और बी डी से रिलेटेड सम है बच्चों। अब आगे जो मैंने आपको बताया था बच्चों बिल ड्रॉ का सम NDD LDD कुछ याद आ रहा है बच्चों तो उसके थ्योरी को आप लोग रेडी कर लोगे तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस टाइप का सम करने वाले बच्चों ओके ना ये तो अभी आपका BD TD से रिलेटेड बेसिक सम था बच्चों। अभी 1.2 में जो सम आने वाला है वो सब लीगल ड्यू डेट NDD जो डेट ऑफ डिस्काउंट उससे रिलेटेड है बच्चों ठीक है। तो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 बच्चे ऐसे जिसके साथ बिल्स का चेंज चैप्टर नहीं हुआ था इसलिए थ्योरी आप लोग पढ़ोगे अच्छे से ओके ना।